Attention. So, hello guys and welcome to my channel. Guys, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं The Chemistry तड़का. So guys, आज का जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है. So guys, आज मैं दिखाने वाला हूं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस. मीन्स कि अगर हम वाटर में कुछ चीजों को यूज करके अगर हम करंट पास करें तो क्या होगा, क्या वाटर का एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन ब्रेक हो जाएगा, और अगर वाटर का H+ आयन ब्रेक होता है तो क्या वो H2 के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन के बुलबुले देगा या नहीं देगा, वो हम सब देखने वाले हैं. और गाइस, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन जो H2 गैस होती है गाइस, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है. मतलब अगर H2 में थोड़ा सा भी आग लगाया जाए तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, विस्फोट हो जाता है. सो गाइस, आज मैं यूज करने वाला हूं दो पेंसिल की मदद से. आज मैं सॉल्ट को डिसॉल्व करने वाला हूँ वाटर में, और जैसे ही डिसॉल्व करूंगा और जैसे ही मैं उस पेंसिल के नॉब को उस वाटर के अंदर ऐड करूंगा और करंट चालू करूंगा, आप देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा गाइस. सो मैं ट्राई करता हूं ये एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए, और आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि मेरे चैनल का नाम है द केमिस्ट्री तड़का, और फटाफट इसे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करके दिखाता हूं. सो गाइस, आज हम आपको एनएसएल की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिखाएंगे. इसके लिए गाइस चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, आपने इस प्रैक्टिकल में देखा होगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगा रहेगा, आपने देखा होगा जैसे ही मैंने दो इलेक्ट्रोड जो कि ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड थे जो कि मैंने पेंसिल यूज किया था, और जैसे गाइस मैंने उसको वहां पे डिप किया था, आपने देखा होगा बहुत तेज विस्फोट हो रहा था वहां पे. बहुत तेज विस्फोट मतलब उसमें जो बबल्स है वो निकल रहे थे, लेकिन उस बबल्स के साथ में गाइस फायर प्रोड्यूस हो रहा था. वो ऐसा क्यों हो रहा था पता है, क्योंकि बेसिकली जो हाइड्रोजन गैस वहां से निकल रही थी एच2 के फॉर्म में, वो वहां से जल जल के निकल रही थी. मतलब वो तुरंत उसमें विस्फोट हो जा रहा था जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी पास किया था. और गाइस, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मुझे दिखाने के लिए, जहां पे गाइस मैंने एनएसएल का सॉल्ट यूज किया था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था. और गाइस, ये उतना ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, तो आप इसे बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा घर पे. सो गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू.